Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 6, Forms of Water of Standard 2, Subject EVS. Bachcho, aaj hum EVS mein padhenge chapter 6, Forms of Water. Usme hum pehle padhenge learning objective, different form of water, jo alag alag form hote hain water ke, uske baare mein padhenge. Water can change its form. Water jo hai, pani jo hai, वो अपना फॉर्म कैसे चेंज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. वॉटर साइकिल, और जो वॉटर साइकिल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है, वॉटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग. हमें जीने के लिए पानी जरूरी है. इट इज प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ. जो पानी है वो अलग अलग रूप में, वेरियस फॉर्म में हमें अर्थ पे, वो वेरियस फॉर्म में अर्थ पे प्रेजेंट है. वो अलग अलग फॉर्म में हमारे पृथ्वी पे है. इट कवर 70.9% ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी पे 70.9% जितना पानी है. वापिस एक बार ये सारे समझा देती हूँ. वॉटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग. हमें जीने के लिए पानी जरूरी है. इट प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. अलग अलग रूप में हमें अर्थ पे पानी, वेरियस फॉर्म में हमें पानी पृथ्वी पे मिलते हैं, दिखाई देते हैं. इट कवर 70.9% ऑफ अर्थ सरफेस. 70.9% जितना अर्थ पे पानी है, वॉटर है. उसके बाद है डिफरेंट फ्रॉम ऑफ वॉटर्स. जो अलग अलग फॉर्म्स है वॉटर के उसके बारे में. वॉटर हैज थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो वॉटर है उसके तीन फॉर्म है. कितने है? तीन, थ्री फॉर्म्स. सॉलिड, एक सॉलिड है यानी बहुत सख्त होता है ना, वैसा फॉर्म. एक लिक्विड, और तीसरा जो है वो है गैस. तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर. आप सभी ने आइस तो देखा ही होगा, देखा है ना. जो आइस है वो है हमारा सॉलिड फॉर्म. ओके, वॉटर का सॉलिड फॉर्म कौन सा है? आइस. वापिस एक बार, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर. जो आइस है वो वॉटर का सॉलिड फॉर्म है. उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, वॉटर दैट वी यूज इज इन द लिक्विड फॉर्म. हम वॉटर का यूज करते हैं ना, वो है हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ वॉटर. ओके, हम पानी पीते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सारी जगह पर हम वॉटर का यूज करते हैं. वो हमारा लिक्विड फॉर्म है. जो सॉलिड फॉर्म है वो है आइस. दूसरा लिक्विड फॉर्म है वॉटर. और तीसरा जो है हमारा गैस, वो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन वी बॉइल वॉटर. हम अगर वॉटर जो है उसको बॉइल करते हैं, गर्म करते हैं, इट चेंज द लिक्विड इनटू वॉटर वेपर. जब हम वॉटर को गर्म करते हैं, बॉइल करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा वॉटर है, जो लिक्विड यानी वो हमारा वॉटर जो है वो किस में होता है? लिक्विड में होता है. ओके, तो वो अपना फॉर्म है वो चेंज करता है और वो बाष्प बन जाता है. वॉटर क्या क्या बन जाता है? बाष्प. वॉटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वॉटर. जो वॉटर की जो बाष्प होती है वो है गैस फॉर्म. गैस फॉर्म है वॉटर का. जो बाष्प होती है वॉटर की, वो वॉटर का क्या है? गैस फॉर्म है. वापिस एक बार ये समझाती हूँ. व्हेन वी बॉइल वॉटर, अब जब हम वॉटर को गर्म करते हैं, इट चेंज फ्रॉम लिक्विड इनटू वॉटर वेपर. वो लिक्विड फॉर्म में से बाष्प बन जाती है. हमने देखी होगी, ऊपर हम जब वॉटर गर्म करते हैं तो ऊपर धुआं जैसा कुछ दिखाई देता है हमें, उसको कहते हैं बाष्प, वॉटर वेपर. और वॉटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वॉटर. जो वो बाष्प होती है वो है वॉटर का गैस फॉर्म. ओके, हमने तीन फॉर्म पढ़े. पहला सॉलिड, सॉलिड फॉर्म क्या है वॉटर का? बर्फ. दूसरा वॉटर जो है वो है लिक्विड फॉर्म. और तीसरा जो वॉटर वेपर जो है वो है हमारा गैस फॉर्म ऑफ वॉटर. ओके, उसके बाद है यहाँ पे, लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू शो द कन्वेंशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वॉटर. हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे अभी यहाँ पे. जो अलग अलग फॉर्म है हमारा वॉटर का, वो
चेंज कैसे होता है उसके बारे में कुछ एक्टिविटी है. टेक अ ग्लासेस एंड पुट सम आइस क्यूब इन इट. हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसमें कुछ आइस क्यूब को रखना है. कीप द ग्लास इन सनलाइट फॉर अ फ्यू हवर्स. और वो ग्लास जो जिसमें हमने बर्फ भरे थे वो ग्लास को हमें कुछ घंटे के लिए कहां पे रखना है, सनलाइट में रखना है. ओके, ऑब्जर्व द चेंज इन द फॉर्म ऑफ आइस. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हमारे जो आइस थे उसका फॉर्म चेंज हो गया है. कैसे हुआ है और क्या हुआ है. इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. और जो बर्फ होता है उसको हम अगर सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म, यानी हमारा वाटर बन जाएगा. बर्फ को हम सनलाइट में रखेंगे तो वो हमें वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म यानी वाटर बन जाएगा. समझ में आया क्या किया है इस एक्टिविटी में. वापस मैं एक बार समझाती हूँ. एक ग्लास में थोड़े से क्यूब्स लिए है, आइस क्यूब्स लिए है, बर्फ लिए है और उसको सनलाइट में रखा. तो सनलाइट में रखा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा बर्फ है वो पिघल जाएगा. पिघल गया तो वो वाटर फॉर्म में आ गया, वाटर बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. ओके, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो. टेक अ केटल एंड पुट सम वाटर इन इट. क्या करना है, हमें एक केटल लेनी है और उसमें कुछ वाटर भरना है. ओके, हीट इट ऑन अ गैस स्टोव. और उसको हमें गैस के ऊपर रखना है गर्म करने के लिए. ऑब्जर्व द चेंज आफ्टर सम टाइम्स. और कुछ समय उसको गैस के ऊपर रखने के बाद हमें उसका जो चेंजेस है उसको हमें ऑब्जर्व करना है. यू कैन नोटिस सम वेपन्स कम आउट ऑफ द केटल. आप नोटिस करोगे कि कुछ वेपन्स, कुछ बाष्प जो है वो आपको बाहर आती हुई, केटल से बाहर आती हुई दिखाई देगी. दिस शोज दैट द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म. तो क्या होता है कि जो अंदर हमने वाटर भरा था उसका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. जो पानी था वो बाष्प बन गया, यानी वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है. ओके, वापस एक बार ये मैं एक्टिविटी समझाती हूँ. हमें क्या करना है, केटल लेनी है, उसके अंदर पानी भरना है और उसको जो गैस है हमारा उसके ऊपर पानी को गर्म करने के लिए रखना है. ओके, वो ये ढक्कन हमें बंद करके रखना है. तो थोड़ी देर के लिए हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद आपको जो बाष्प है वो बाहर निकलती हुई दिखाई देगी. तो होता है क्या कि अंदर जो हमने पानी भरा था, वाटर भरा था, वो गर्म होता है, उससे क्या बनता है, बाष्प बनती है. और बाष्प जो पानी जो है उस वो कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म से वो गैस फॉर्म में आ जाता है. गैस फॉर्म में वो बाहर निकलता है. यहां से हमने पानी को गर्म करने के लिए रखा तो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म से वाटर फॉर्म से वो चेंज होके क्या हो गया, गैस फॉर्म में आ जाता है. वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है. ओके, उसके बाद है तीसरी एक्टिविटी, आप देख सकते हो यहाँ पे. प्रोसीड इन द सेम वे एज द प्रीवियस एक्टिविटी. हमें सेम एक्टिविटी यहाँ पे भी करनी है. क्या करना है, केटल लेना है, उसमें पानी भरना है, उसको गैस पे गर्म करने के लिए रखना है. नाउ ब्रिंग अ स्मॉल स्पून नियर द माउथ ऑफ द केटल. उसके बाद क्या करना है, हमें एक स्पून लेनी है और जो केटल का मुंह होता है, माउथ होता है, उसके आगे स्पून को रखना है. द वेपन्स कमिंग आउट फ्रॉम इट स्ट्रीक द कॉल्ड सरफेस ऑफ द स्पून एंड ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल डाउन. फिर क्या करेंगे, हमें पहले जो केटल में पानी रखा हो गर्म करने के लिए, तो फिर यहां से बाष्प बाहर निकलेगी. जो बाष्प बाहर निकलती है उसके आगे हमें एक स्पून रखना है. हम यहाँ पे स्पून को रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारी बाष्प है वो यहाँ पे जो स्पून है उसके ऊपर आएगी और यहाँ पे स्पून जो है वहां पे आएगी तो हमारी जो बाष्प है वो
ठंडी हो जाएगी और वहां से वो वापिस हमारा जो वाटर फॉर्म है उसमें आ जाएगी, वाटर फॉर्म में आ जाएगी। तो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पानी के वाटर के रूप में नीचे पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। वो हमने यहाँ पे केटल में पानी को गर्म करने के लिए रखा, उसके बाद वो गर्म होता है तो वो वाटर फॉर्म से वो क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। गैस फॉर्म से हमने यहाँ पे स्पून रखा है तो वो वहां पे आएगा तो वहां पे ठंडी हो जाएगी, तो वहां से वापिस वो वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दिस शोज दैट वेपन्स फॉर्म ऑफ वाटर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। आपको ये वापिस समझ में आया होगा कि मैं समझाती हूँ एक बार। आपने क्या किया, एक केटल लिया, उसमें पानी रखा, उसको गर्म करने के लिए रखते हैं तो वहां से यहाँ से जो बाष्प है वो बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो ये जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म होता है, और वाटर जो लिक्विड फॉर्म है उसमें से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो अभी जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसको हम वापिस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्पून रखेंगे तो जो हमारी जो बाष्प है वो हमें स्पून पे जमा होगी, हमारी जो स्पून है वहां पे हमारी बाष्प जमा होगी तो वहां पे वो ठंडी होगी, तो उसके बाद वो वापिस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ओके, उसके बाद आप पेस्ट टर्न करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वाटर कैन चेंजेस इट्स फॉर्म। जो वाटर है वो अपना फॉर्म चेंज करता है, कैसे करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। हम वॉटर जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता है, कैसे, वो या तो गर्म करेंगे हम उसको तो भी वो अपना फॉर्म चेंज करता है, या फिर हम उसको ठंडा करेंगे तो भी वो अपना फॉर्म चेंज करता है। यहाँ पे है द चेंज ऑफ वॉटर इंटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर हमें वाटर जो है उसको आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, हमें वाटर जो है उसको आइस में कन्वर्ट करना है तो हमें फ्रीजिंग करना पड़ेगा। द चेंज ऑफ आइस इंटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। हम जो वाटर है उसको आइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको फ्रीजिंग कहते हैं, और हम उसको आइस को हम वाटर में चेंज करते हैं तो उसको हम कॉल्ड मेल्टिंग, हम उसको मेल्टिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक साइकिल है हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म। वाटर कैसे अपना फॉर्म चेंज करता है, वाटर है हमारे पास, उसको हम गर्म करने के लिए रखते हैं तो स्टीम यानी वो बाष्प बन जाती है, गर्म करेंगे तो बाष्प बन जाती है। और जो बाष्प होती है, अभी हमने आगे पढ़ा ना कि उसमें हमने वहां पे स्पून रखा तो स्पून वहां पे ठंडी हो जाती है वो बाष्प हमारी, तो वो वापिस वहां पे ठंडी हुई और वाटर फॉर्म में आ जाती है। ओके, वाटर को हमने गर्म किया तो बाष्प बन जाती है, और बाष्प को हमने ठंडा किया तो क्या हो जाएगा, वापिस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी यानी वो वापिस पानी बन जाएगी। और ये जो वाटर है उसको हम ठंडा करने यानी कूलिंग करते हैं, हम उसको ठंडा करते हैं ज्यादा तो वो आइस फॉर्म हो जाएगी यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, उसका हमें आइस मिलेगा, बर्फ मिलेगा। और बर्फ को हम वापिस गर्म करते हैं तो हमें वापिस वाटर मिल जाएगा। वापिस एक बार ये समझाती हूँ, पानी जो है उसको हम गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, बाष्प। ओके, बाष्प मिलती है, और जो बाष्प है वो ठंडी हो जाती है, उसको हम ठंडा करते हैं तो वो हमें वापिस वाटर मिल जाता है। ओके, यानी जो वाटर है उसको हम लिक्विड फॉर्म जो है उसको हम गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो गैस फॉर्म है उसको हम ठंडा करके वापिस लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म है उसको हम ठंडा करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म मिलेगा, और सॉलिड फॉर्म को हम वापिस गर्म करेंगे तो हमें वापिस लिक्विड फॉर्म मिल जाएगा। ओके, यानी जो वाटर है उसको हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, या तो हम गर्म करके या तो हम ठंडा करके वाटर को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।